नमस्कार मित्रों, आजे आपणे ऑर्गेनिक लीली हळदरनो हलवो अने मेथीना गोटा बनावीशुं अने अंतमां नवी ऑर्गेनिक फार्मिंगनी टेक्निक विशे जाणीशुं। आजे आपणे चलामली गामे जयेश भाई भगतना रुद्र फार्म पर आव्या छीए, ज्यां तेओए ऑर्गेनिक रीते हळदरनो पाक लीधो छे। आपणे प्रथम खेतरमांथी ताजी हळदर काढी लईशुं। जयेश भाई एमना कोईपण क्रॉपमां विलायती खातर के दवा नथी वापरता। खेडूत मित्रों उपकरणोनो लाभ लईने पोताना दवाना अने खातरना पैसा बचावी शके छे अने समाजने हेल्धी वस्तुओ प्रोवाइड करी शके छे। जो विलायती खातरનો उपयोग बंद करवामां नहीं आवे तो नजीकना भविष्यमां जमीन बंजर अने बीन उपजाऊ थई जशे अने 2 દાયકાमां 50% लोको केन्सरथी ग्रस्त हशे। तो युवा खेडूत मित्रों, आवा सफल खेडूतोने मळो। बधुं ज शक्य छे। आवी ऑर्गेनिक पद्धतिओ अपनावशो तो दवानो खर्च बचशे, जमीन फळद्रुप थशे तो प्रोडक्शन वधारे मळशे अने ऑर्गेनिकना दाम पण वधारे मळशे। बस एक वखत साहस करवानी जरूर छे। डिस्क्रिप्शन में जयेशभाई नो नंबर आपेलो छे, आप एमनी पासेथी वधु माहिती मेळवी शको छो। आपने લીલી હળદર ने सारी रीते धोई छाल काढ़ी लईशुं। छोकरीओ छाल काढ़े त्यां सुधी आपने मेथीना गोटा बनावा माटे ताजा मरचा तोड़ी लावीए। छाणा एक धारी गरमी आपे छे अने भड़के बळता नथी। आ छाणा जोईने बहनोने तो हांडवानी याद आवती हशे। बोलो साचुं के खोटुं? अमे खेतर में छीए तेथी मिक्सर अवेलेबल नथी, जेथी हळदर छीणीने चॉपर में पीसी लईशुं। तमारे मिक्सर में पीसी लेवी। राठवा मरचू अने लसणनी चटनी तैयार थई रही छे। एक तरफ मेथीना गोटानी तैयारी पण थई रही छे। લીલી હળદરનો 500 ग्राम मावो थयो छे। आपने 300 ग्राम घी में हळदर ने सांतड़ी लईशुं। बाळकों ने तेमनी स्वेच्छाए कंईक परफॉर्म करवुं होय तो आवा नाना मोटा गेधरिंग में एमने चांस आपवो जोईए, जेथी एमनामां स्टेज फियर रहे नहीं अने आत्मविश्वास वधे। संहिता अने नथाशाने पूछता ज गावा माटे तैयारी बतावी। बंनेने खूब खूब धन्यवाद। જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિને પોતાના अनोखा કાર્યો માટે એપ્રિશિએશન અને રેકગ્નિશન મળે છે, ત્યારે ત્યારે તે વ્યક્તિનો પોતાના કાર્ય પ્રત્યેનો લગાવ વધી જાય છે। सतत हलावता रहीशुं। हळदर ने शेकाता 15 થી 20 मिनिट लागशे, परंतु घी छूटू पड़े त्यां सुधी शेकवी। हळदरनो मावो शेकाई गयो छे, एने बीजा वासणमां काढी लईशुं। हवे एज कढाईमां 200 ग्राम जेटलुं घी उमेरी 250 ग्राम बेसन शेकी लईशुं। લોટ શેકાઈ જાય એટલે આ રીતે હલકો થઈ જશે। एक चमची इलायची पाउडर उमरीशू अने बेसननो गोल्डन कलर थाय त्यां सुधी शेकावा दईशू। पांचो ग्राम देशी गोळ उमरीशू। गोळ में आयरन अने चणाना लोट में प्रोटीन बे मळीने हिमोग्लोबिन बने। हिमोग्लोबिन में हिमो एटले आयरन अने ग्लोबिन एटले प्रोटीन। टूंकमां आ हलवो खावाथी लोही वधे, हळदर लोहीने शुद्ध करे, पाचन क्रियाने शक्तिशाळी बनावे, एंटी इन्फ्लेमेटिव छे एटले के सोजा मटाडे, एंटीऑक्सिडंट पण छे। गोळ बराबर पीगळी जाय त्यारे सातळेली हळदर उमेरीशुं, हलावीने बराबर मिक्स करी लईशुं। आपने 200 ग्राम बदाम लीधी छे, जेमांथी थोड़ी ऊपर डेकोरेट करवा राखी छे। बाकीनी बदाम मिक्सर में पीसीने उमेरीशुं, घी छूटे त्यां सुधी हलावता रहीशुं। बदाम में प्रोटीन, ओमेगा 3 जे एक फैटी एसिड छे, आयरन, कैल्शियम, मैग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटेशियम अने विटामिन ई होय छे। थोड़ा बदामना टुकड़ा अने इलायची पाउडर उमेरीशुं। मिक्स करीने कढ़ाईने आग परथी नीचे उतारी लईशुं। आपनो लीली हळदरनो हलवो तैयार थई गयो छे। एने एक वासणमां काढी लईशुं। ऊपर थोड़ो इलायची पाउडर अने बदामना टुकड़ाथी गार्निश करीशुं। मित्रों, ज्यारे हळदरनो हलवो पहलीवार बनाववानो निर्णय लीधो तो मनमां संशय हतो कि हळदरनो तो वड़ी हलवो केवो लागशे, परंतु बन्या पछी सौनो एक ज जवाब हतो, लाजवाब, गाजरना हलवाने पण टक्कर मारे एवो। मेथी ना गोटा साथे सर्व करीशुं। मित्रों, आप सौमांथी घणा खेडूत हशो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग विषे जयेश भाई केटलीक अगत्यनी माहिती अने पोतानो अनुभव शेर करे छे। जयेश भाई, आजे तमारा फार्म पर आव्या छे। घणा समयथी इच्छा हती के तमने मळवुं हतुं अने तमे जे नवी टेक्नोलॉजी आपणे खेतीनी अंदर एवुं छे ने के अत्यारे जूनू तो बधुं घणुं चाली रह्युं छे पण समयनी साथे बदलाव पण जरूरी छे। तो मैं सांभळ्युं हतुं के तमारे त्यां नवी सिस्टम में की लगाई छे ने जीवामृत ने ऑर्गेनिक जे फार्मिंग जे अत्यारना समयनी जे मांग छे ए प्रमाणे तमे जे स्टार्ट कर्युं छे तो तमे एना विशे जणावो के तमने कई रीते एनी प्रेरणा मळी। पहेला तो आम तो पहला हूँ जीवामृत है मेन्युअली पीप में बनावतो तो એટલે बेसन ગોળ ને છાશ નાખીને 7 દિવસ રવા દેવું પડે। તો એમાં છે લેબર બી જાય વધારે અને ખેતરમાં આપો એમ તો માથાનો દુખાવો લાગતો હતો કારણ કે લેબર ના હોય એટલે તકલીફ પડે। તો પછી મેં યુટ્યુબ પર સર્ચ કર્યું ને જોયું તો મને આ ટ્યુબ વિશે જ માહિતી મળી અને આ ટ્યુબ મને જામકાના એક ખેડૂત જ છે એ ભાઈએ પોતે ખેડૂત છે ને બનાવે છે બરાબર તો ત્યાંથી પ્રેરણા મળીને એમને મને જોડેથી લીધી અને આમાં બધું મટીરિયલ નાખીને આપણે જે પેલું જીવામૃત ગાળવું પડે એવું ગાળવાની જરૂર નથી એટલે ડાયરેક્ટ લિક્વિડ જ નીકળે છે બરાબર એટલે બહુ ઇઝી ડ્રીપમાં ચડાવીને સ્પ્રે બી કરી શકાય છે। અને शू आम नॉर्मली प्रोडक्शन में कई रीतनो तमने चेन्जीस लगे? चेन्जीस तो पहला में पहलू तो आपणे जमीन सुधरे छे, फलद्रुपता आवे छे अने कार्बन आनाथी केवुं छे कार्बन में फेर पड़े छे अने फर्टिलाइजरनी जरूर तो बिल्कुल पड़ती नहीं। हूँ वापरतो नहीं, आ ज्यारथी आ उपयोग करूँ छूं तो फर्टिलाइजरनी जरूर नहीं पड़ती। आ हळदरनुं खेतर छे एमां बिल्कुल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेलो, खाली आज वापरेलुं छे। बराबर, जीवामृत। अने आ मारू पौणो एकर जेवुं, आम तो 1.5 एकरनुं खेतर छे पण हळदरनुं वावेतर 1.5 एकर जेवुं थाय छे। अने 1.5 एकरमांथी मैं गई साल में 700 किलो पाउडर बनाव्यो हतो। अच्छा। अने बियारण काढेलुं छे जूदुं। आ साल थोडुं वधशे एवुं मने गणे। कई वेरायटी छे हळदर? आ सेलम वेरायटी। अने हळदर सिवाय बीजा क्या क्रॉप छे तमारी पासे? हळदर सिवाय मारे केरा छे, कपास छे, पछी थोडुं लसण वावेलुं छे अने दाणा है। हवे तमारी आ हळदर जोईए अमारा व्यूअर्स ने, अमारुं फेमिली छे आखुं स्वाद संहितानुं, तो कई रीते अवेलेबल थशे? किलोना पेकिंगमां छे, 500 पेकिंगमां छे। हाँ, अने कंईक पार्सल केवुं कंईक व्यवस्था खरी? पार्सल के कोईक जग्याएथी कलेक्ट करी शकाय, वडोदरा के कोई सिटीमांथी मळी जाय सर? एवुं छे। हाँ, ओके। तो पछी तमारो नंबर अमे आपी दईशुं अमारा डिस्ट्रीब्यूटर ने, अने कोई ने दूर होय ने कुरियर करवू होय तो कुरियर बी करी आपशु। चालो, सरस सरस, मळीने घणो आनंद थयो तमने। अने हवे बर्ड व्यू थी मनोहर सांज अने सूर्यास्तना दर्शन करीशु। हवे जोईशु नेक्स्ट विडियोनी झलक। मित्रों, अमने घणीवार कॉमेंट में पूछवामां आवे छे कि आप बंनेनी उंमर केटली छे अने आप बे आटला एनर्जेटिक केवी रीते रहो छो। तो एनुं सीक्रेट अने साइंटिफिक रीजन अमे नेक्स्ट विडियो में खूब विस्तृत रीते समझावाना छीए अने साथे नास्तानी एक यूनिक अने झड़पी रेसिपी पण बनावीशुं। तो आप आ बुधवारे ए विडियो जोई शकशो। नेक्स्ट विडियो में फरीथी मळीशुं। धन्यवाद। वंदे मातरम।